नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि आपको पता होगा कि CUET PG 2022 के थ्रू ही JNU में एडमिशन होगा, तो अभी एक कॉमन क्वेश्चन ये है कि सब लोग बार बार ये पूछ रहे हैं कि सर JNU में एडमिशन के लिए कितने नंबर लाने पड़ेंगे और JNU में एडमिशन कैसे होगा, टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी है। तो मैं सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बना के आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो अपन इस वीडियो में देखेंगे JNU में टोटल कितनी सीट है, एडमिशन कैसे होता है और आपको कितने नंबर लाने पड़ेंगे CUET PG के एग्जाम में ताकि आपका JNU में एडमिशन हो जाए। तो जैसे आपको पता होगा कि JNU BHU HU सब सारे एग्जाम है CUET के थ्रू होंगे। जैसे जामिया का एंट्रेंस एग्जाम हो गया भी है और चल भी रहा है, और DUET है ये अलग से अपना सेपरेट एग्जाम करा रहे हैं, ये CUET के अंडर शामिल नहीं है, ठीक है। और इससे रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप टेलीग्राम पे सर्च बार में @exponentialmathematics2531 अगर सर्च करते हैं तो आपको ये सारी की सभी के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन की एक साथ सेपरेट फाइल मिल जाएगी, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि JNU में एडमिशन क्यों लेना चाहिए और क्या सिस्टम, इसकी बात करें तो ऐसा है कि JNU में जो एडमिशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए कि अगर आप MSc मैथमेटिक्स की बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया, मतलब अपने देश में सबसे अच्छा संस्थान है वो JNU ही है। क्योंकि आप HCU JNU और जो DU की बात करते हैं तो नंबर वन की प्रायोरिटी इसको देते हैं, नंबर टू की, और टू और थ्री में सेम, मतलब जिसको दिल्ली रहना होता है वो DU में चला जाए, जिसको दिल्ली से बाहर कोई दिक्कत नहीं तो वो HU में चला जाए, पर नंबर वन JNU में ही है। क्योंकि DU में हॉस्टल नहीं मिलता है, यहाँ पे हॉस्टल भी मिल जाता है, तो सारी फैसिलिटी A1 क्लासिक है, सब कुछ क्लासिक है। पर जो क्लासिक नहीं है वो कंपटीशन भी क्लासिक है और पेपर का लेवल भी, पहले JNU का एग्जाम होता था तो उसमें क्लासिक आता था, अभी तो ये CUET के थ्रू होने वाला है तो इसमें थोड़ा सा ऐसा है कि कैसा आपका पैटर्न रहेगा। पर एक चीज़ ये मान के चलिए कि जैसे आपने CUET का नोटिफिकेशन देखा होगा तो उसमें आपको पता चल गया कि सारा सिलेबस है वो जो CUET का जो पहले पेपर आता था वैसा का वैसा ही है, पेपर पैटर्न भी वैसा ही है, तो यकीन मान के चलिए कि पेपर का लेवल भी कुछ वैसा सा ही रहने वाला है। पर ऐसे में JNU का एडमिशन लेना, मतलब 25+75 का जो रेशियो है उसमें थोड़ा सा सिस्टम अलग रहता है, तो ये थोड़ा सा टिपिकल काम रहेगा कि आपको कितने नंबर लाने चाहिए कि इसमें आपका एडमिशन हो जाए, जो कि बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है। तो और अगर आप पीछे की कट ऑफ भी देखेंगे तो उससे भी आपको आइडिया लगेगा कि क्या कहानी रह चुकी है पीछे और कितनी सीटें हैं। तो अभी बता देता हूँ आपको कट ऑफ का आइडिया। जैसे आप देखना कि सबसे पहली जो 2019 में जो JNU में एडमिशन हुआ था उस टाइम पे कट ऑफ लगभग 80 के अराउंड कट ऑफ रही थी आउट ऑफ 100। उसके बाद जो कट ऑफ रही है वो भी अच्छी खासी, लास्ट टाइम जैसे 66, 64, 65 नंबर थे उनका एडमिशन हुआ था जिनकी रैंक 6 और 9 थी, तो फर्स्ट रैंक वाला कि आप वही 70 से 80 के नंबर हो सकते हो, मतलब कि 70+% तो आपके आने ही चाहिए। ऐसा कुछ है कि 70+% आ रहे हैं तभी आप JNU में एडमिशन ले पा रहे हो, तो इसका मतलब JNU के एडमिशन के लिए 70% लाना थोड़ा सा टिपिकल सा काम है। क्योंकि ये पेपर का लेवल भी देखा जाता है, कुछ मिस्टेक्स भी हो जाती हैं अपनी, ऐसा तो है नहीं कि अपन नहीं कर पाते, थोड़ा मिस्टेक हो जाती है। तो अभी अपन इसमें सीट की बात करूँ तो आपको पता होगा कि JNU में टोटल 15 सीटों पे एडमिशन है वो एंट्रेंस के थ्रू होता है, 15+4 है, टोटल 19 सीट है। उस 15 का जो बाइफरकेशन है वो आपको ऐसे दिख जाएगा, MSc इन मैथमेटिक्स स्कूल ऑफ फिजिकल साइंस में आता है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में टोटल 41, 25 और 15, तो सबसे कम सीट है वो मैथ्स में ही है, वो 15 सीट है। उसमें से जनरल कैटेगरी की 6 सीट है, SC कैटेगरी की 2 है, ST की 1 है, PWD के लिए 1 है, OBC की 4 सीट है और EWS के लिए 2 सीट है। पर ये सभी लोग, ये जो सभी कैंडिडेट है, ये इन सीटों के लिए तो स्पेशली रिजर्व है ही है, वो इन 6 पे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जो जनरल कैटेगरी में था उसके लिए सीटें कम है तो वो इस पे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसके लिए सिर्फ यही है, ये लोग इन पे तो करेंगे ही करेंगे रिजर्व और इसको भी ले सकते हैं। तो टोटल 15 सीटों पे एडमिशन क्या होगा, एंट्रेंस के थ्रू होगा। बाकी जो 4 सीट हैं उसमें से 2 स्टूडेंट हैं वो DIFR के थ्रू एडमिशन लेते हैं, 1 स्टूडेंट है वो CMI के थ्रू लेता है और 1 स्टूडेंट है वो USA के थ्रू आता है, जो USA स्टूडेंट होता है। ये 4 सीटें जो रिजर्व स्पेशल कैटेगरी में, टोटल 19 सीटों पे क्या है मैथ्स की सीटें जहाँ पे MSc में मैथमेटिक्स में एडमिशन होता है। तो बात करते हैं तो अपन ऐसे देखें कि जो रिक्वायर्ड नंबर कितने की 25+75 का पेपर आता है, तो इस 25 को तो आप हटा दो। मैंने ऐसा सुना है कि अभी कंफर्म नहीं है कि JNU इसके बेसिस पे एडमिशन लेगा या नहीं लेगा कि 70%, बट आप ये चल के चलो कि अगर ए पार्ट को कैसे पढ़ना है CUET के लिए उसका मैं आपको अलग से वीडियो बना देता हूँ, इसका रिस्पॉन्स देखता हूँ कैसा रहता है, अगर आप लोगों की डिमांड है तो अपन 25 वाला पार्ट कैसे करना है और ये इसमें कैसे कवर करना है वो सब देख लेंगे। पर 75 का एटलीस्ट आप अगर 70% निकालें तो ये लगभग 52.5, ऐसे मान के चलो कि 75 में से आपके 55 क्वेश्चन करेक्ट होंगे ना, तब जाके आपको ऐसे चांस है कि JNU में एडमिशन। क्योंकि आप ऐसे सोच के देखिए 15 सीटें तो हैं तो 15 स्टूडेंट तो मिल ही जाएंगे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे, थोड़ा अच्छा पढ़ने वाले होंगे। अब इसमें CUET के पेपर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि CUET के पेपर में अभी अपन एक वीडियो नेक्स्ट में डालूंगा जिसमें CUET का सिलेबस कैसे कवर करना है आपको और क्या आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, कैसे आपको पढ़ना है,
आपका रिस्पॉन्स देखा जाएगा कैसे रहता है, तो उसमें अपन स्पेशल तरीके से देखेंगे कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है। तो उसमें इजीली ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं होगा जो आपने नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन में ऑलमोस्ट ही पढ़ा है और CUET के पेपर का लेवल इतना टफ नहीं आता। तो आप ऐसे कोशिश करना है कि विदाउट नेगेटिव मार्किंग आपके 55 क्वेश्चन सही हो जाएं, और इसके लिए आपको मतलब एटलीस्ट 65 के राउंड अटैम्प्ट करना पड़ेगा 75 में से 65 प्लस अटैम्प्ट करेंगे तब जाके आपके 55 बनेंगे। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि 75 में से आपके 55 से 60 नंबर अगर क्वेश्चन सही है, नंबर की बात नहीं कर रहा क्योंकि वो नंबर एक चार नंबर का पेपर क्वेश्चन होगा, तो इतने क्वेश्चन अगर सही है 55 to 60 के बीच में, तो आप अपने आपको ऐसे मान सकते हैं कि हाँ जेएनयू में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि 15 सीटें हैं, सीट कम है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने करेक्ट करने पड़ेंगे। अब ये कैसे करेक्ट करने हैं, कैसे क्या सिलेबस रहेगा, उसके अकॉर्डिंग अपन डिसाइड करेंगे। सारा सिलेबस अपन CUET का देखेंगे, CUET का जो सिलेबस दोनों ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल रखा है उसमें अपन एक एक करके सारे पार्ट को देखेंगे, रियल को कैसे पढ़ना है, उसका सिलेबस कैसे कवर करना है। ये स्पेशल थोड़ी जेएनयू के बारे में इन्फॉर्मेशन दी, तो अपने आपको 75 में से 55 से प्लस 60, इससे प्लस का ही टारगेट लेके चलें, तभी आप जेएनयू में एडमिशन ले सकते हैं। और जेएनयू में एडमिशन लेना मैंने बता दिया कि क्यों इंपॉर्टेंट है, सारी फैसिलिटी मिलती है, सब कुछ क्लासिक है, कोई भी किसी भी चीज़ के मतलब जो बोलते हैं नेगेटिव पॉइंट ढूंढने की कोशिश करते हैं, हर यूनिवर्सिटी में आपको कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट मिलेगा, यहाँ पे कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट है कि कंपटीशन अच्छा है, बस यही नेगेटिव पॉइंट है। जैसे DU में हॉस्टल नहीं है, HU थोड़ा सा दूर है, सीट कम है, BHU में थोड़ा सा इतना कंपटीशन नहीं रहता जितना इनके जैसा है, वहाँ पे हॉस्टल है, पर जेएनयू जैसे एंट्रेंस एग्जाम में या जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके लिए आप अपने आप को झोंक दीजिए और 55 से 60, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हार्ड कर नहीं सकते, बिल्कुल कर सकते हैं आप, इजीली कर सकते हैं, बाकी लोगों ने भी करा है। आप अभिषेक का वीडियो देखिए, अभिषेक ने कोई कोचिंग नहीं करी, कुछ नहीं करा, और उसकी AIR 6 रैंक है और जेएनयू में उसने एडमिशन लिया। और सबसे बड़ी बात अभिषेक के लिए क्या है कि उसने जेएनयू के अलावा कोई एग्जाम नहीं दिया, देखो कितना कॉन्फिडेंस ही होता है, उसने जेएनयू के अलावा कोई एग्जाम नहीं दिया और उसका जेएनयू में एडमिशन हुआ है, मतलब उसने DU का एग्जाम भी नहीं दिया था, बाकी एग्जाम तो छोड़िए आप, DU का भी नहीं दिया, उसने जेएनयू का दिया। तो इसलिए अपने आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस, और दूसरी बात कोई कोचिंग नहीं, कोई कोर्स नहीं दिया, कुछ भी नहीं करा और सीधा इसने एडमिशन लिया, तो बिल्कुल भी ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप इजीली पढ़ेंगे तो इजीली हो जाएगा। सो आई होप आपको ये जो इन्फॉर्मेशन थी जेएनयू एडमिशन की रिगार्डिंग अच्छी लगी होगी, तो अपने दोस्तों को भी बताएं। सो थैंक यू।